बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा तो अब नीचे जा रहे हैं। और दोपहर में हम जल्दी गए, जब तक वो निकल गया हमें लगता शायद उसके पास पानी था नहीं, ट्रैक्टर खाली होगा। अब इसको पकड़ो 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 इसको, और अब अच्छा हाँ। और अब हम लोग आए हैं, अब शायद निकल गए। अच्छा तो अब इधर पानी भरवा लें, क्योंकि पता है पानी के बिना तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और इधर देखो बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। अभी आपको देखो इधर दिखाएंगे, कटाई वटाई हो गई ना सब, मोर दिखाते हैं। देखो और जल्दी जल्दी आए तो थक जाते हैं, खाली खाली लग रहा है। इधर से आवाज आ रही है, देखो दिख रहा है ना, इधर शादी वादी है, शादी वादी शादी ही है। देखें ये पीछे वाली गली में है, बस थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है इधर तो चलो जब तक जो है बैठ लेते हैं। बैठे हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा जब तक, दो चार मिनट के लिए पानी भी भर जाएगा। वही हम कह रहे थे कि अगर नहीं आया तो क्या होगा, थोड़ा सा पानी बस था घर में, और जब कोई चीज़ काम होती है तो देखना उस चीज़ की उस टाइम कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है। तो बस ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो पहले हम भरवाते हैं पानी, फिर करते हैं आप लोगों से बाद में बात। इधर रात का टाइम है, खाना बना रहे हैं, तो आज सब्जी की कोई इच्छा नहीं है, तो क्योंकि डेली डेली सब्जी खा खा के, तो जब सब्जी की इच्छा नहीं होती है तो आप देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं। थोड़े से पानी में हींग को डाल लेना है और उसको बेसन में ऐसे मोन टाइप सा लगाना है, तो और फिर इसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के अब उसको धीमे धीमे आँच में भूनेंगे, तो इसमें ये दाने दाने जो पड़ रहे हैं ना, मेन चीज़ है जो टेस्ट आता है इसको हम, अब आप पूछेंगे पता नहीं क्या है, तो इसको हम बना रहे हैं आज, बता देते मीड़ा, बताना किस किस के यहाँ बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आरना को फीवर आ गया था जिस दिन का ये वीडियो है, फिर हम परेशान भी हो गए, फिर उतने ही रात को फिर उसको दिखाना भी ज़रूरी था क्योंकि वो घबरा जाना रही थी, इधर हमारा भी थोड़ा मन नहीं लग रहा था, तो बस हमने जैसे तैसे बस काम तो जो ज़रूरी होते हैं, खाना पीना सब भूखे रहेंगे वो तो सब करना ही पड़ता है, तो बस ये किया। और बस आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में।
आप लोग। हाँ पर दुख हमने इसमें क्या है, प्याज हमने निकाल ली, फिर हमने डाली नहीं क्योंकि हमने बताया ना कि हमारा सच बताएं तो मन ही नहीं लग रहा था, तो हमने किया बिल्कुल झटपटी, बिल्कुल सादा। लेकिन हाँ ऐसे भी अच्छा लगता है, मतलब प्याज जो है लोग कम ही डालते हैं इसमें, लेकिन आपकी चॉइस के ऊपर है, डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट और अच्छा ही आ जाता है। लेकिन हम दोनों तरीके से बना लेते हैं, बिना प्याज का भी अच्छा लगता है, हमें प्याज का भी अच्छा लगता है। बस थोड़ा टाइम का देखते हैं कि टाइम कैसा है, कितना है, बस उसी हिसाब से करते हैं। तो अभी तक प्लेट इसलिए लगाई थी। और हाँ एक और आपको बात बताएं, अभी जो हम वॉइस ओवर दे रहे हैं, अभी हम बिल्कुल हमारे मुंह से आवाज़ जो है पूरी ताकत लगा के बोल रहे हैं, तब इतनी आवाज़ आ पा रही है। अभी हमारी तबीयत सही नहीं है, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है। मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाए, बस इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सादा ही है। और अभी हमने क्या है, थोड़ी सी हमने अभी गौर किया इसमें जो है कुछ कुछ इसलिए क्या, मतलब या तो ये है कि हमने ऑन ऑफ़ करना हमने सोचा हो गया, लेकिन वो हुआ नहीं रिकॉर्ड। तो आपको ये जो पानी है इसमें पानी डाल के जो है हम आपको बस ही सीधा बता दे रहे हैं, आप अच्छा बॉयल आने देना। जब बॉयल आने लगता है तो फिर आपको फिर वो बेसन को आराम आराम से इसमें मिलाना है। इसमें जो एक आध लम्स दिख रहे हैं ये सब आपको हटा देने हैं, और बस बहुत थिक बनता है तो आप जो है थोड़ा सा इसको इसमें जो है ग्रेवी जो आपको मतलब पतला रखना है, क्योंकि 5 मिनट में ये ऐसा हो जाएगा। अगर आपको ऐसा खाना है तो आप इससे थोड़ा पानी और ज़्यादा डालिए, और अगर आपको ऐसा ही अच्छा लग रहा है तो आप इससे भी और गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल एकदम जम सा जाता है। तो हमने थोड़ा सा और इसमें पानी डाल दिया था और अब ये सही है, और जब तक हम रोटियां सेकेंगे तब तक ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा ठीक, मतलब खाने लगे जैसे खाते हैं दाल वगैरह बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। बस इसमें लास्ट में कसूरी मेथी डाल दी है, हमने धनिया भी नहीं डाली क्योंकि धनिया जो है साफ करनी थी, तो बस ऐसे इसमें ये डाल दी। तो हो गया है रेडी, आप भी ट्राई करना। कैसे हैं? तो हम इधर अलग किचन का काम हमारा थोड़ा थोड़ा हो गया है, बाकी अब जब मम्मी रोटी खाएंगी तो उनके लिए बस सेकनी है, अभी तो वो खाना नहीं खाएंगी। और सुबह के बजे हैं 9, तो थोड़ा हम चलते हैं उधर, बैठेंगे रेस्ट लेंगे, और इनकी तबीयत सही नहीं है अर्ना की। तो अभी ये हमारे पास आ गई है कि तो बोल रही है ओट्स के लिए कि थोड़ा सा आप ओट्स बना देना, तो हमने कहा अभी 10 मिनट बाद हम अभी बना देते हैं, तो जो है कि बस थोड़ा सा बैठेंगे। और अभी हम स्वेटर वगैरह नहीं पहने, इधर देखो धूप भी आ गई है हल्की, अर्ना खिसकना। तो इसके बाद फिर इनको अर्ना को बनाएंगे, साथ में मम्मी से भी पूछेंगे कि आप कितनी देर में खा रही हो, और अपने जो है कपड़े धोने भी लगा देंगे। हम ये करते हैं देखो, जब उठते हैं बस फिर लगातार एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं, और जब रेस्ट करते हैं तो फिर रेस्ट करते हैं, रेस्ट क्या करते हैं जब तक मोबाइल देखेंगे, मोबाइल का काम देखो, जब काम करते हैं जब एक साथ काम करते हैं, जब रेस्ट करते हैं तो एक साथ रेस्ट। हाँ, और रात को तो इनने आरना ने जो है ना बहुत परेशान किया, और हमने का पता नहीं, लेकिन हाँ ये बात है स्कूल नहीं गई, स्कूल इसका मिस हो गया, जबकि आज
एग्जाम था। और अभी पता है, अभी इनकी पूजा होने वाली है, क्योंकि अब देखो इनको आराम लग रहा है, तो देखो कितनी मक्कारी दिखा रही हैं। मैं उसका वो देख रही हूँ कैसे इसको करता हटाओ, है। पहले बात माना करो। कोई कहेगा बुखार चढ़ा है, स्कूल गई नहीं है, ओट्स का देख रही हूँ, हम तुम्हें ओटा देंगे। हम इधर दिखाओ और उसको रखो पहले इधर इधर। अरे इसको तो निकालते तो हाँ इधर इधर को आओ। बताओ स्कूल क्यों नहीं गई हो? मेरी तबीयत सही नहीं थी आज। आवाज नहीं निकल रही है? अरे ये रात को तो ये बोली मम्मा मम्मा, मतलब इसकी ना तो आंखें खुल रही थी। हमें तो हम पता है, जब जब भी ऐसे कुछ तो फिर हम थोड़ा डर सा जाते हैं। हमने कहा गई, लेकिन गई नहीं है ना, बनी रही यार ना। फिर कितने, 9:30, 9:30 बजे गए थे ना पापा? फिर 9:30 बजे वो इसको ले गए डॉक्टर के पास। फिर लक्ष्य बोला मम्मा मैं भी साथ जाऊंगा, मैं पीछे बैठ जाऊँ, इसको पर मैं पकड़ लूँगा कि ये गिर ना जाए, क्योंकि ये बस यही बोली थी मम्मा मम्मा आ जाओ, बस आंखें मतलब कम खोल रही थी। और कोल्ड भी इसको हो रखा था, तो सबसे बड़ी बात है ये घबरा रही थी, कोल्ड के पीछे सांस नहीं ले पा रही थी। फिर इसको वो दिखाने ले गए 10 बजे के लगभग, फिर वो लौट के आए। और कल का दिन भी ऐसे ही गया, कोई खास नहीं गया। और अभी ना कुछ ऐसे ही चल रही है, जो पटरी होती है ना, सब ऐसे ही चल रही है। बातें बहुत हो गई हैं, अब देखते हैं। और ना का जो माइनर चल रहा है ना, अब मैम लेती हैं या नहीं लेती हैं, हम तो कहते हैं कि ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम है ना अब।